अब हम हिंदी सत्र की शुरुआत कर लेते हैं। सभी साथियों का स्वागत है, सभी को नमस्ते। नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। इस सुबह के सत्र में, मॉर्निंग सेशन में, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन के अभ्यास को डे बाय डे शार्प करते जा रहे हैं। और अब हम सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे, हमारी सिर्फ जो कॉन्शियसनेस में जो निर्णय भी हो रहे हैं उसको भी हम ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर पूरे सीक्वेंस को देखेंगे तो पहले हमारा ध्यान बाहर रहता था, फिर कॉन्शियसनेस में जाने लगा, फिर आशा विचार से सूक्ष्म भाव पर जा रहा है, और अब भाव के निर्णय का जो आधार है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देख पा रहे हैं कि निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ। अब जब निर्णय को देख पा रहे हैं तो फिर हम इस बात को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्णय किस आधार पर हो रहा है। तो जब इसको देखने जा रहे हैं कि निर्णय किस आधार पर हो रहा है, तो दो चीजें हमको दिख रही हैं, या तो मैं समझ के आधार पर ले रहा हूं या कोई मान्यता के आधार पर ले रहा हूं। और एक बार ये दिख जाए कि मान्यता के आधार पर अगर हम निर्णय लेते हैं तो उसमें कोई निश्चितता नहीं रहती है। समझ के आधार पर जब निर्णय लेते हैं तो उसमें एक निश्चितता होती है, तो सही भाव बनते हैं। मान्यता के आधार पर एक निश्चित भाव रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है। तो हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि मान्यताओं के आधार पर हम लोग से कई बार निर्णय हो जा रहे हैं, और हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं लेकिन मान्यताओं के आधार पर निर्णय हो जाता है, जिससे हमारा निरंतर सुखी होने की चाहना पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अब ये हमारे लिए नीड बन जाता है कि सही समझ के आधार पर निर्णय ही ठीक है। इसलिए हमको सही समझने की आवश्यकता दिखने लगती है, अपने भावों को सही समझ के आधार पर तय करने की आवश्यकता दिखती है। तो यहाँ से समझ को देखना है, सही समझ के साथ चीजों को समझना है, इसकी एक आवश्यकता बनती है। तो स्टेप 5 में हम लोग देख रहे हैं कि स्वयं में सही सहज भाव को सुनिश्चित करने के लिए, उसके आधार पर सुख को सुनिश्चित करने के लिए सही समझने की आवश्यकता है। अब अगर इतना क्लियर हो गया है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये समझना भी हमारे लिए आवश्यक है कि कौन सा भाव सहज है, किन भाव की निरंतरता चाहते हैं। तो आज हम अपने से ये बार बार पूछ रहे हैं कि संबंध का भाव चाहते हैं या विरोध का भाव चाहते हैं, संगीत या व्यवस्था का भाव चाहते हैं या अंतर्विरोध अव्यवस्था का भाव चाहते हैं, सअस्तित्व का भाव चाहते हैं या संघर्ष का भाव चाहते हैं। अब हम ये अपने से बार बार पूछ रहे हैं। तो जब भी ये पूछते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि संबंध का भाव ही हम चाहते हैं, संगीत का भाव चाहते हैं, सअस्तित्व का भाव चाहते हैं, और यही हमारे लिए सहज है। इन्हीं भाव की निरंतरता भी चाह रहे हैं। एक बार ये क्लियर हो जाए ये हमारे लिए सहज है, इनकी हम निरंतरता चाहते हैं, तब हमको ये और स्पष्टता से दिख जाता है कि अब इन भावों को स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए मुझे संबंध को भी समझना आवश्यकता है, व्यवस्था को भी समझना एक आवश्यकता है, और सअस्तित्व को समझना भी एक आवश्यकता है। तो सअस्तित्व, व्यवस्था और संबंध, जब इन तीनों को मैं ठीक से समझ पाता हूँ तो मेरे में क्या भाव निश्चित होंगे वो तय हो पाता है। तो इन तीनों को समझने का तात्पर्य है कि मुझे संबंध और संबंध में अपने भागीदारी के चिंतन की आवश्यकता है, संगीत व्यवस्था के बोध की आवश्यकता है, सांस्कृतिक के अनुभव की आवश्यकता है। तो अब ये स्टेप 5 और 6 को मिलाकर हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमारी आवश्यकता क्या है चैतन्य निकाय के लेवल पर। तो अब हमको ये क्लियर दिख जाता है कि हमारी आवश्यकता तो संबंध को समझना और संबंध में भागीदारी के चिंतन को, ये मेरी क्या आवश्यकता है, और उसके लिए व्यवस्था के बोध की आवश्यकता है, और उसके लिए सअस्तित्व अनुभव की आवश्यकता है। तो सअस्तित्व के अनुभव के साथ व्यवस्था का बोध, और व्यवस्था में मेरी भागीदारी है ना, तो मनुष्य के साथ जब है तो संबंध में मेरी भागीदारी, व्यवस्था में मेरी भागीदारी, प्रकृति के साथ है तो प्रकृति की व्यवस्था में मेरी भागीदारी,
इसके चिंतन की आवश्यकता है। तो जब चिंतन कर रहे हैं तो भागीदारी सोच रहे हैं, तो भागीदारी के साथ में देखेंगे तो हमको व्यवस्था के लिए कुछ सोल्यूशन दिखेगा। तो भागीदारी को देखना और व्यवस्था के लिए भागीदारी करना अब हमारे लिए एक आवश्यकता हो गया। ये आवश्यकता हो गया इसलिए अब मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, शास्त्रित्व क्या है, इसमें भागीदारी क्या होगी। भागीदारी का चिंतन मेरी का आवश्यकता हो गया है, अब ये आवश्यकता के रूप में बन गया है, इसलिए अब हमारा ध्यान इस पे जाना ही है। तो स्टेप 4 और 5 को देखेंगे तो अब मेरी एक आवश्यकता बन गया है, संबंध, व्यवस्था और शास्त्रित्व को समझना, है ना। लेकिन स्टेप 1 से हम आते आते यहाँ तक आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, बीच में बहुत सारा हमारे ऑब्जर्वेशन रहे हैं, उन सब के बेस में हम जा जाकर बार बार देख रहे हैं क्या आवश्यकता है मेरी। तो धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली अगर मुझे निरंतर सुख पूर्वक जीना है, निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना है, तो संबंध को समझना, व्यवस्था को समझना, शास्त्रित्व को समझना और संबंध में मेरी भागीदारी का चिंतन, ये मेरी आवश्यकता के रूप में निकल के आ रहा है। एक बार दिख जाए कि आवश्यकता है तो हमारा ध्यान जाएगा कि समझना तो इसी को ही है, और इसको जितना जितना समझेंगे उतना उतना मान्यताएं हमारी रीइवैल्यूएट होंगी, ठीक होंगी। तो जो सही के अर्थ में नहीं है वो संगीत, व्यवस्था, संबंध, शास्त्रित्व के अर्थ में इवेल्युएट होने लगेंगे और ये काम होने लगेगा। हमको ध्यान देना है, एक बार आवश्यकता समझ में आ जाए फिर हमको शास्त्रित्व, व्यवस्था और संबंध इस पर ध्यान देना है। व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी का चिंतन पर ध्यान देना है। जब व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी का चिंतन करेंगे, व्यवस्था में भागीदारी का चिंतन करेंगे, तो फिर बहुत सारी मान्यताएं जो भागीदारी के अर्थ में नहीं है वो अपने आप ही लूज होने लगेंगी, तो वो होने लगेंगी, उसको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। एफर्ट तो सिर्फ ध्यान देने में लगाना है कि हमारी आवश्यकता हमको समझ में आ जाए और ध्यान देने लगे, इतना अगर क्लियर हो जाए तो हमारे में जो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में नहीं है मान्यता रूप में, वो धीरे धीरे एवेल्युएट होने लगेगा, ये होने लगेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर हमको बहुत क्षोभ नहीं होगा, वो धीरे धीरे विदा हो जाएगा। तो इस अर्थ में ये तीनों बातें हम हमारे लिए, चैतन्य कायले के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम मनुष्य के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमारी भागीदारी क्या होगी, विश्वास के भाव के साथ भागीदारी होगी या अविश्वास के भाव के साथ भागीदारी होगी। परिवार में जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो परिवार व्यवस्था में हमारी भागीदारी किस भाव के साथ होगी, विश्वास के कि अविश्वास से, द्वेष से या स्नेह से। अब यहां से भागीदारी के अर्थ में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि भागीदारी तो विश्वास के साथ ही होगी, सम्मान के साथ ही होगी, स्नेह के साथ ही होगी। एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो जो अन्यथा संस्कार बना हुआ है वो धीरे धीरे इवेल्युएट होने लगेगा, ये इवेल्युएट होने लगेगा तो धीरे धीरे हम इससे मुक्त होंगे। जैसे जैसे हम मुक्त होते जाएंगे तो जो हम चाह रहे हैं कि निरंतर सुख पूर्वक हमारा जीवन हो, वो चाहना पूरी होने लगेगी। इतनी बात हम लोग स्टेप 1 से स्टेप 6 तक कर रहे हैं। बताइए अब हम में से किसी का ऑब्जर्वेशन हो, कल से आज तक ना हम लोग स्टेप 2 अभ्यास कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये देखते हुए जो भी आपका ऑब्जर्वेशन उसको हम लोग रख सकते हैं। और जब ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो सभी का ही ग्रोथ होता है। जी बताइए। और उसको हम लोग पिछले 3-4 दिन से इस बात का ध्यान दिला ही रहे हैं कि हम लोग हर सामान्य घटना में इस बात को देखने की कोशिश करें। तो अनुभव, बोध और व्यवस्था में भागीदारी का चिंतन, इसके साथ जब चीजें देखेंगे
तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी। तो जैसे अगर हम लोग पुरानी शेयरिंग्स को देखें तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि सामने वाला व्यक्ति बात नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है यहाँ तक ठीक है, अब मेरा भागीदारी क्या होगी। उस भागीदारी को देखेंगे तो स्पष्ट होने लगेगा कि मेरे में कौन सा भाव के साथ में इंटरेक्शन करूंगा। भागीदारी के अर्थ में नहीं देखेंगे, सिर्फ इस अर्थ में शिफ्ट हो जाएंगे कि उसको बात सुननी है किसी भी तरीके से, फिर अन्यथा भाव बनने लगता है। तो भागीदारी के अर्थ में जब चीजों को देखते हैं तो हमको स्पष्ट होता है कि मेरे लिए कौन से भाव ठीक है। तो व्यक्ति के संस्कार की स्थिति अभी ठीक नहीं है और मैं उसके जो व्यवस्था है उसमें इन्नेट उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो जब ये भागीदारी करने जाऊंगा तो मैं अपने से जब पूछूंगा कि किस भाव से ये भागीदारी हो सकती है, तो मुझे सहज रूप से आंसर मिलने लगता है कि विश्वास के भाव से भागीदारी होगी, सम्मान के भाव से भागीदारी होगी, स्नेह के भाव से भागीदारी होगी। तो भागीदारी के अर्थ में सोचेंगे तो भाव स्पष्ट होने लगेगा, अन्यथा कुछ मान्यता एक्टिव हो जाएगी तो वो स्पष्ट नहीं होता है, तो फिर किसी भी भाव से हम चलने लगते हैं। तो इसलिए ये भागीदारी का चिंतन एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो भागीदारी के अर्थ में सोचना एक महत्वपूर्ण बात है। तो जब हम इंटरेक्शन अब हम कर रहे हैं है ना, तो हम अपने से ये पूछें कि भागीदारी के करनी है तो किस भाव के साथ होगी, तो हमको स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम उस भाव के साथ जब भागीदारी करने जाएंगे तो एक तो हम अपने में तृप्त रहेंगे क्योंकि सही भाव के साथ भागीदारी कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति दबाव फील नहीं करेगा क्योंकि हम उसके ग्रोथ में भागीदारी कर रहे हैं, उसको कन्विंस नहीं कर रहे हैं। इस तरह से दोनों ही लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं। जी नमस्ते भैया, नमस्ते जी सभी को। भैया कल पूरे दिन के ऑब्जर्वेशन में मुझे कई बार ना नेचर के लिए काफ़ी सारा अपने में कंसर्न बना हुआ ऐसे दिख रहा था कि बारिश नहीं हो रही थी इतने दिन यहाँ पर कल से शुरू हो गई। पर उससे पहले का स्टेट मुझे ऐसे याद आ रहा था कि मैं इस बात से बहुत परेशान हो रही थी कि अभी टाइम हो गया फिर भी बारिश नहीं आ रही है। और फिर मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रही थी कि और क्या-क्या चीजें आ रही हैं अपने में, तो पानी का वेस्टेज पर ध्यान जा रहा था, फिर पेड़ कम है इस पर ध्यान जा रहा था। और ये कंसर्न को देखने के साथ मुझे अपने में अपने प्रति भी और सबके प्रति भी ये विरोध हो रहा था कि क्यों हम लोग नेचर के प्रति फुलफिलिंग नहीं होते हैं। और इतने तक नहीं रुका, फिर आगे जाकर मुझे डर भी लगा काफी सारा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मुझे याद है एक समय मैं पापा से बात कर रही थी तो मैंने उनसे कहा कि अभी भगवान को दूसरी अर्थ बनानी पड़ेगी, यहाँ तो बड़ी सारी गड़बड़ हो रही है। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने ये सेंटेंस इसलिए बोला क्योंकि मैं अभी बहुत वो व्यवस्था को या स्वास्थ्य को ठीक से नहीं देख पा रही हूँ। मैं उस समय फिर रुक गई और मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर उसके बाद नॉर्मल वाला चीज़ें चलने लग गई। जी भैया जी। तो बेसिकली देखेंगे हम लोग चिंता करने लगते हैं चिंतन की जगह, है ना। तो जब चिंता करते हैं तो हमको अभाव दिखता है, फिर उस अभाव से हम परेशान होते हैं। चिंतन में हम ये देख पाते हैं कि हमारी अब क्या भागीदारी रहेगी, तो उस भागीदारी को जब हम ध्यान में लाते हैं तो हम ये देख पाते हैं जो अभाव हो गया है ये धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो इसलिए चिंता और चिंतन में ये एक बहुत डिफरेंस है। तो चिंतन जब हम कर रहे हैं तो हम व्यवस्था से शुरू कर रहे हैं कि व्यवस्था है, व्यवस्था में इकाइयां हैं, इकाइयों का आपस में संबंध है, मेरा भी हर इकाई से संबंध है, अब इस व्यवस्था में मेरी भागीदारी क्या होगी। उस भागीदारी को जब मैं इंश्योर करने जाऊंगा तो वो जो अभाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो वो भय से शुरू नहीं होगा।
भागीदारी से शुरू होगा, है ना, एफर्ट से शुरू होगा, उसमें भय और चिंता नहीं रहेगा। लेकिन अगर इतना ध्यान में नहीं जाता है और हम केवल अभाव पे ध्यान देते हैं तो हमको चिंता होती है और फिर भय से भी हम ग्रसित होते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ देखेंगे ये तीन बातें लिखी हुई हैं कि व्यवस्था पर ध्यान, अस्तित्व पर ध्यान जाना, व्यवस्था पर ध्यान जाना, और व्यवस्था में मेरी भागीदारी संबंध के साथ में देख रहा हूँ इस पर ध्यान जाना। इतना देखते हैं तो वह चिंतन वाला भाग चलता है फिर। तो अगर देखेंगे तो बहुत सारा क्राइसिस तो है ही बाहर, है ना, जैसा हमारा सबका लाइफ स्टाइल हो गया है अभी, जैसा शिक्षा संस्कार में हम एजुकेशन दे रहे हैं, उन सबके चलते बहुत सारा देखेंगे तो क्योस तो हो ही रहा है। तो अभी पूरे शिक्षा संस्कार को भी देखेंगे तो उस अस्तित्व के अर्थ में नहीं है, व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिला रहे हैं, है ना, संबंध पर ध्यान नहीं जा रहा है, मेरा भागीदारी क्या होगा इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ इस पर ध्यान जा रहा है कि मैं अपने लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर लूंगा, या कैसे मेरा खाना पीना सिक्योर हो जाए, केवल इस पर ही ध्यान जा रहा है। तो अभी देखेंगे तो वो अस्तित्व के साथ देखने का अभ्यास एक तो अपने में भी नहीं है और शिक्षा संस्कार में भी वो ध्यान नहीं दिलाया जा रहा, तो लोग इंडिविजुअली चीजों को देख रहे हैं, इंटरकनेक्टेडनेस में नहीं देख रहे हैं, इंडिविजुअली देख रहे हैं। जब इंडिविजुअली देख रहे हैं तो बाकी जगह क्या हो रहा है उनका ध्यान ही नहीं जाता है। अच्छा, इंडिविजुअल में भी देख रहे हैं तो उसमें भी कितना चाहिए उसका पता नहीं रहता है, तो अतृप्त रहते हैं। इस सबके कॉम्बिनेशन में बाहर जो इंटरेक्शन करते हैं लोग तो बहुत सारा अव्यवस्था बन जाती है। लेकिन अगर हम व्यवस्था से देखते हैं, सअस्तित्व व्यवस्था से देखते हैं, तो हमको ये आसानी से दिख सकता है कि पूरे अस्तित्व में सअस्तित्व है, हर इकाई में एक व्यवस्था है और हर इकाई व्यवस्था में भागीदारी के साथी है। सिर्फ ध्यान दिलाएंगे या अपना भी ध्यान जाएगा तो व्यवस्था में भागीदारी होने लगेगी। तो अगर मनुष्य को देखेंगे तो चाहना के रूप में वो पहले ही व्यवस्था में भागीदारी करने के साथ में है, भले ना कर पा रहा हो लेकिन उससे पूछेंगे क्या सहज स्वीकार है, व्यवस्था में भागीदारी करना या भागीदारी नहीं करना, तो चाहना के रूप में उसका आंसर पहले से यही आएगा, भले वो ना कर पा रहा हो। तो पूरे अस्तित्व में व्यवस्था बना हुआ है, हर इकाई व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, मनुष्य को देखेंगे चाहना के रूप में बना हुआ है, सिर्फ ध्यान दिलाने की बात है, तो अपना ध्यान चला जाए। और जो ध्यान दिलाने के लिए जो हमको एक सिस्टम बनाना है उस सिस्टम पर ध्यान चला जाए, और जैसे जैसे ध्यान जाएगा ये व्यवस्था की तरफ बढ़ने लगेंगी चीजें। इस तरह से देखेंगे तो चिंतन हो रहा है, अन्यथा देखेंगे तो फिर वो चिंता में शिफ्ट हो जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे हम ही भय में आ जाते हैं, इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं, हमको ही फियर लगने लगता है आगे क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए वो चिंतन और चिंता इन दोनों में, है ना, हमको डिफरेंस अगर हो जाएगा तो आगे के लिए फिर जो इनसिक्योरिटी आती है, भय आता है, ये नहीं आएगा। जी दीदी, जी भैया, तो अब जब भी मेरा ध्यान जाए कि मुझ में ऐसे सब चल रहा है, तो अब मैं वो शिफ्ट लूँ और इस पर ध्यान देने का प्रयास करूँ, ये प्रोसेस ठीक है ना? अब व्यवस्था से शुरू करिए, सअस्तित्व व्यवस्था, और अब मेरी व्यवस्था में क्या भागीदारी है, जैसे कि शरीर है ना, शरीर में कुछ गड़बड़ हो गया है। अब क्या है कि अगर हम उस पार्ट पर ध्यान दे रहे हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम अपने में आ जाएगा, पूरे शरीर की व्यवस्था को देख रहे हैं और शरीर की व्यवस्था में किसी सेल में जाकर कुछ इश्यू हो गया है, तो जैसे जैसे हम शरीर की व्यवस्था के लिए काम करेंगे वो सेल भी अपने आप, है ना, उस व्यवस्था में आने लगेगा। लेकिन हम केवल उस पर ही फोकस करेंगे, उसी को ठीक करेंगे, तो उसके साइड इफेक्ट्स है, आसपास की जो चीजें हैं वो भी इफेक्ट होने लगेंगे। तो व्यवस्था से जब शुरू करते हैं, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी शुरू करते हैं, तो छोटी छोटी जो इकाइयां हैं वो व्यवस्थित होने लगती हैं। तो पहले से वो व्यवस्था में है और हम बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो व्यवस्था के साथ जुड़ने लगती है। तो ये अगर हमको क्लियर हो जाए कि व्यवस्था पर ध्यान देते हुए हमको भागीदारी करनी, तो ये जो इनसिक्योरिटी आती है करते समय वो नहीं आएगी।
लेकिन जो नहीं हो रहा है केवल उस पर ध्यान देंगे, और जो पूरे अस्तित्व में व्यवस्था बनी हुई है उस पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो बहुत सारा अपने में इनसिक्योरिटी आ जाती है ना दीदी? हाँ भैया, ऐसे ही हो रहा है। मैं अभी थोड़ा ठीक नहीं लगा तो मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर उन्होंने इंजेक्शन रिकमेंड किया, तो वो लेते वक्त भी मैं ये हो रही थी कि अभी देखो इससे वो सीरिंज जैड हो जाएगा एनवायरनमेंट में और गड़बड़ हो जाएगी और मेरी तरफ से पोल्यूशन हो रहा है, तो उसका जो होने वाला असर है वो भी ठीक से नहीं होगा। ये बात मुझे बाद में ध्यान आई कि अभी जो ठीक करना है वो कर लेते हैं फिर आगे अच्छा काम करेंगी, ऐसा नहीं आया तब। अब जब आप बात कर रहे थे तो ऐसे ध्यान में आया कि मैं छोटे से ही चीज पर फोकस करती हूँ और उसके ही प्रॉब्लम्स को अपने में इतना फैलाती हूँ कि मैं बहुत इनसिक्योर होने लगती हूँ, तो ये अभी ध्यान आ रहा है। जी, ठीक, और उसको ध्यान से देखेंगे ना, ये जो एलोपैथिक अप्रोच है वो हम सब में आ गई है। एलोपैथिक अप्रोच मतलब जो पार्ट ठीक नहीं है केवल उसी पर ध्यान देंगे, तो उसको जब ठीक करने जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन से, तो उसके साइड इफेक्ट्स दूसरे पार्ट्स में दिखने लगते हैं। आयुर्वेदिक अप्रोच के देखेंगे तो पूरे शरीर की व्यवस्था को ठीक करने से शुरू होता है, कि पूरे शरीर की व्यवस्था को ठीक करेंगे तो वो पार्ट भी ठीक होने लगेगा। और वही अप्रोच नॉर्मली हम सबकी लाइफ में आने लगा है, कि एक पार्ट पे ध्यान देते हैं और उसी को ठीक करने लगते हैं, जबकि वो पार्ट पूरे अस्तित्व के साथ बना हुआ है, इंडिविजुअल नहीं है, पूरे अस्तित्व के साथ ही है वो। तो पूरे अस्तित्व को ध्यान में रख के, पूरी व्यवस्था को ध्यान में रख के जब करेंगे तो वो पार्ट भी सही होने लगेगा। तो बड़ी व्यवस्था पर जब हम ध्यान देंगे और व्यवस्था में भागीदारी पर ध्यान देंगे, तो ये जो हमारा छोटे एक दो व्यक्तियों के लिए, एक दो चीजों के लिए हमारे अंदर जो परेशानी बन जाता है ना, इससे भी हम मुक्त हो पाएंगे, और वो सब धीरे धीरे ठीक भी होगा, क्योंकि हम व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। हम उल्टा शुरू करते हैं, हम एक पार्ट से शुरू करते हैं, तो घर का एक मेंबर है जिससे हमारा ठीक नहीं चल पा रहा है ना, उसका संस्कार अभी ठीक नहीं है, अब हम उसी को ही पूरे दिन फोकस में रखे रहते हैं। अब पूरे दिन फोकस में रखे रहते हैं और हमारा ध्यान हट जाता है कि पूरा अस्तित्व में शासित बने हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है, उसमें भी व्यवस्था इनेट है। अब उसको हम फोकस में रखे रहते हैं, उसमें भी जो उसका संस्कार वाला भाग ठीक नहीं है वही हमारे फोकस में रहता है। अब फोकस हमारा उस पर रहता है तो एक समय पर जाके वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारी कल्पनाशीलता में अव्यवस्था चलने लगती है, फिर हम उसके विक्टिम बनने लगते हैं। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शासित, व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी, तो हम पूरे शास्त्र को ध्यान में रख रहे हैं, व्यवस्था को ध्यान में रख रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये समझ में आ रहा है इसमें भी व्यवस्था है, और हम पूरी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, ग्रेजुअली उसका भी ध्यान चला जाएगा। तो पार्ट पे फोकस करना है या पूरे व्यवस्था पर फोकस करना है, तो व्यवस्था पर फोकस करते हुए उस पार्ट को देखना है तो हम उस पूरे व्यवस्था के साथ उसको देख पाएंगे। अभी क्या है, उस पर ही फोकस करते हैं, बाकी सारी व्यवस्था को भूल ही जाते हैं, ध्यान हट जाता है, तो हमारे लिए बहुत सारा कंसर्न रेज हो जाता है। जी बिल्कुल, जी एकदम, धन्यवाद भैया, ठीक लग रहा है। जी नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या बिल्कुल तो जी बिल्कुल, एक फीलिंग ऑफ नेगेटिव है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही दीदी। अच्छा, एक मिनट। अब आ रही है तू? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, ये एक तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ आपके लिए और आप पूरी यूएचयू टीम के लिए। भैया, आप जी सोचो, बातों को समझाते हैं ना तो एकदम से वो तो दिमाग में दिल मजाते स्टार्ट करते हैं और फिर जो आप बाद में कंक्लूड कर देते हैं उससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि हम जी लोग जो है तो लगता है बहुत सारे कोर्स को मानती हूँ ये कि कई बार हम सुनते हुए काम कर रहे होते हैं तो बीच बीच में हम टेक ऑफ कर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, लेकिन बाद में जब आप कंक्लूड करते हैं तो इससे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच भैया।
हम बहुत ही पेशेंस के साथ समझाते हैं। थैंक यू सर मच। और क्वेश्चन मेरा भैया ये था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है पिछले सेशन में डिस्कस भी हो गया हूँ, मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मैं जो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एजम्पशंस को तो नहीं देख पाती। तो पिछले मैंने मीटिंग्स में जो है हिमांशु भैया, नवीन भैया और रेखा दीदी सबके साथ ये डिस्कस हुआ था, और उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था, लेकिन मैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाई, तो उसमें से जी बहुत सारी चीज़ें मेरी निकल गई थी। तो आप कुछ एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि वो तो इतना ईजी हो गया कि एकदम से मुझे अपनी एजम्पशन दिख जाए, क्या कोई भी बात जो रिलेशनशिप हार्मनी और को एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट है वो मेरी अजम्पशन है, तो उसको मैं सबसे आसान तरीके से कैसे देख पाऊँ। तीन बहुत स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। मतलब आप ये पूछना चाह रही है कि हमारी मान्यताएं हमको और आसान तरीके से कैसे दिख जाएं, ऐसा दीदी? जी, कई बार मान्यता दिखती नहीं है भैया, सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है, उसे लगता है मतलब समझ में नहीं आता कि क्या गलत है क्या कहाँ गलत होगा, तो मान्यता को कैसे देख लें ये मेरी मान्यता है, ये मेरा समझदारी है, उसका इजीएस्ट तरीका कोई एग्जाम्पल के साथ देने गया तो दे। ठीक है, दोनों ही बातों को मैं अपनी तरफ से रिस्पॉन्स रख देता हूँ। एक तो आपने ग्रेटिट्यूड की बात की है, तो कृतज्ञता को देखेंगे तो कृतज्ञता तो है ना पूरी मानवीय परंपरा से ही स्टार्ट होगी। तो मेरे ग्रोथ में किसी ने हेल्प की, पीछे जितनी मानवीय परंपरा है उसमें जितने लोगों ने सही को समझा, सही को समझ के हमारे लिए लिख के रखा, टेक्स्ट में रखा, बुक्स में रखा, उनको पढ़ के हर बार समय समय पर ना लोग अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते रहे, बताते रहे, उन सब के योग संयोग के साथ, और ये पूरे अस्तित्व को देखेंगे शास्त्रीय पूर्वक चल रहा है, इन सब के साथ हम लोग इस मॉर्निंग सेशन को कर पाते हैं। तो कृतज्ञता को देखेंगे तो पूरे उसका बहुत बड़ा फैलाव है, और उस कृतज्ञता पे भी अगर हमारा ध्यान चला जाए तो बहुत सारा हमारे में जो अन्यथा बन जाता है उससे रिलैक्स हो सकते हैं। तो कृतज्ञता को देखेंगे कि हमारे लिए अगर हमको दिख जाए कि हमारे लिए व्यक्ति कुछ किया है तो उसके लिए जो भाव आता है वो कृतज्ञता का भाव है। तो कुछ किया को देखने जाएंगे तो वो तो पूरा जब से हमारे ऋषि मुनि पीछे जितने भी लोग रहे हैं जिन्होंने चीज़ों को समझा है, समय लगाया है, उसको नोट डाउन किया है, पहुंचाया है, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, हम तक पहुंचा है, हमने सुना है, फिर हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, वो पूरा अस्तित्व ही कवर हो जाएगा धीरे धीरे जाकर, है ना। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत रिलैक्स फील होगा, और इसको अगर ध्यान से देखेंगे ना कृतज्ञता कोई, तो अभी क्या होता है जिनके साथ हम रह रहे होते हैं वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, लेकिन होता क्या है वो जो किया होता है उस पर हमारा ध्यान बहुत जल्दी हट जाता है, जो वो नहीं कर पाते हैं उस पर हमारा ध्यान बना रहता है, फिर जब उस पर ध्यान बना रहता है तो हमारे लिए करते हैं, हमारे अंदर उनके लिए कृतज्ञता का भाव बनता नहीं है, फिर हमारी परेशानी स्टार्ट होती है, और जब स्टार्ट होती है तो जो उन्होंने किया है वो सब स्लिप हो जाता है। तो जितना हो पा रहा है किसी से हमारे लिए उस पर हम ध्यान बनाए रखेंगे तो हमेशा इस भाव से भरे रहेंगे उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं और उनके लिए भी जो हमसे पास हैं। तो एक तो ये कृतज्ञता की बात है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे साथ लोग भी जो रह रहे हैं वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो किए, उस पर अगर ध्यान जाएगा तो उनके लिए भी कृतज्ञता का भाव बनेगा। दूसरी बात,
आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इजिएस्ट वे कोई एक एग्जांपल से बता दीजिए। देखिए सिंपल एग्जांपल तो यही हो सकता है कि हम जैसे एक मैं पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम अपनी मदर से जब बात करते हैं है ना, और परिवार में जो दूसरा व्यक्ति हमसे जुड़ा है उसकी मदर से बात करते हैं, दोनों से बात करते समय हमारा सेम भाव बना रहता है या बदल जाता है? क्या लगता है? सेम बना रहता है तो एस लिख दीजिए, बदल जाता है तो सी लिख दीजिए, चेंज हो जाता है। तो चेंज लिख रहे हैं, अब ये चेंज हो जाता है। अब इस बात को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्यों चेंज हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी क्या है, हम मानव को शरीर और चैतन्य इकाई के सास्तित्व के रूप में नहीं देखते हैं। तो होता क्या है, हम उसको किसी मान्यता के तहत लेते हैं, तो जिनके साथ हम पले बड़े उनको एक मान्यता से देखने लगते हैं, जो दूसरे व्यक्ति है उनको दूसरे तरीके से देखने लगते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये मेरी मदर हैं और ये उनकी मदर है, यहाँ से शुरू करते हैं। जब यहाँ से शुरू करते हैं तो जैसे ही हम कहते हैं ये मेरी मदर है, आपके भाव अलग हो जाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं ये उनकी मदर है, या दूसरा संबंध को नाम देते हैं, तो हमारा भाव बदल जाता है। तो ये एक मान्यता आगे बीच में समझ के साथ देखेंगे तो चाहे मेरी मदर हो, चाहे उनकी मदर हो, चाहे किसी की भी मदर हो, चाहे किसी के भी फादर हो, हर मनुष्य चैतन्य इकाई और शरीर का सास्तित्व है, और चैतन्य इकाई निरंतर सुखपूर्वक जीना ही चाहती है, और ये निरंतर सुखपूर्वक जीना हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे मेरी मदर हो, चाहे एक्स की मदर हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे वाई के फादर हो, ये भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, मैं भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, ये बात दोनों में निश्चित है। अब हम यहाँ से शुरू नहीं करते हैं कि ये भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और दूसरे भी व्यक्ति निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, इस वास्तविकता से स्टार्ट नहीं करते। हम यहाँ से शुरू करते हैं ये मेरे हैं ये उनके हैं, ये जो मेरे उनके का डिफरेंस आ जाता है ये किसी मान्यता के तहत तो आ ही रहा है ना। अब ये मान्यता के तहत आ रहा है, अब आपका व्यवहार एक व्यक्ति के लिए अलग हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो जाता है। जबकि अगर सीधे सीधे चैतन्य इकाई से हम शुरू करें, ये भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, वो भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, इनमें जो व्यवस्था है उनमें ध्यान दिलाने में मेरी एक भागीदारी हो सकती है, जो इनके मदर या फादर हैं इनमें भी एक व्यवस्था है चैतन्य इकाई में इननेट, उस पर भी ध्यान दिलाने में मेरी भागीदारी हो सकती है। भागीदारी के साथ देखने जाएंगे तो कंफर्टेबल बने रहेंगे, दोनों के लिए निश्चित भागीदारी बनी रहेगी, उसके लिए भाव बना रहेगा। व्यवस्था और भागीदारी को हटा कर देखेंगे है ना, उस तो एक मान्यता के तहत हम चल देंगे, तो वही बातें जब मेरी मदर बोल रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर किसी एक्स के बारे में कुछ बोल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, दूसरे की मदर किसी उसी एक्स के बारे में बोल रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये जो हम देख रहे हैं ये किसी मान्यता के तहत देखने लगते हैं, तो वही इवेंट मेरा को रिलेटिव कर रहा है ना, तो मुझे ठीक लग रहा है, वही इवेंट कोई दूसरा कर रहा है तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी चैतन्य इकाई है वो भी चैतन्य इकाई है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये मेरा है ये मेरा नहीं है। तो किसी के साथ हम संबंध को देख पा रहे हैं, किसी के साथ संबंध को नहीं देख पा रहे हैं, तो नहीं देख पा रहे हैं तो कुछ मान्यता के रूप में देखते हैं, मान्यता के रूप में देखते हैं तो व्यक्ति के बदलने के साथ ही हमारी मान्यताएं अंदर बदल जाती है और फिर हमारा व्यवहार अलग हो जाता है। तो सिंपलेस्ट तरीका तो यही है कि आप ये देखिए कि घर में जो लोग हैं अभी हमारे साथ में सेम बात कह रहे हैं, तो एक समय पर मैं
अच्छा लग रहा है, वही लोग सेम बात किसी और समय पर कह रहे हैं, मुझे खराब लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये समझ के साथ हो रहा होगा ऐसा, या किसी मान्यता के साथ ऐसा हो रहा होगा? तो ये छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमको दिखने लगेगा कि ये जो इतनी तेजी से हमारे विचार में चेंज हो जाता है, ये किसी मान्यता से गवर्न होकर हो जाता है। समझ के साथ चलेंगे तो व्यक्ति जो सुबह कह रहा था, उसके शब्दों के पीछे जाकर उसके भाव, उसके संस्कार और उसमें जो समझने का पोटेंशियल है, इसके साथ हम देखेंगे। शाम को कहेगा तब भी हम इतनी देखेंगे, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं जाएगा और किसी मान्यता के तहत देखेंगे तो हो सकता है सुबह उसी की बात अच्छी लग रही हो, शाम को उसी की बात हो सकता है हर्ट भी कर जाए, या वही बात जब मेरे रिलेटेड लोग कह रहे हैं तो अच्छी लग रही है, वही बात दूसरे से रिलेटेड लोग कुछ कह रहे हैं तो खराब लगने लगती है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये जो वेरिएशन हो रहा है हमारे अपनों के साथ ही, इसको देखने की जरूरत है कि इसके पीछे किसी मान्यता के तहत हो रहा है। तो अगर हम मनुष्य को चैतन्य इकाई और जड़ इकाई के अस्तित्व के रूप में देखें, चैतन्य इकाई में एक व्यवस्था इनेट है इससे देखें, और उसका ध्यान दिलाने में मेरी एक निश्चित भागीदारी है, इसके साथ देखेंगे तो हमारे में जो वेरिएशन होगा भाव को लेकर ये नहीं होगा। अगर इतना वेरिएशन हो जाता है तो इसका मतलब किसी ना किसी मान्यता के तहत हम लोगों को देख रहे हैं। जी जी बताइए, इतना पूरा पड़ गया या कुछ और ऐड करें? जी भैया, काफी क्लियर होगा। अब मैं थोड़ा काम करती हूँ, जी फिर कोई और धन्यवाद। जी अगर हम अपनी मान्यता को देख पाएंगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अभी बहुत सारा बोझ तो हम अपनी मान्यताओं का लेकर ही घूम रहे हैं, है ना? सामने वाला कुछ शब्द ही बोलता है, हम अपने मान्यताओं के तहत लोगों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो अगर ये बात हमको दिख जाए, मान्यता वाला भाग, और फिर अस्तित्व व्यवस्था और संबंध पर ध्यान चला जाए, तो बहुत सारा बोझ जो हम, है ना, खुद के ही मान्यताओं से बना है, उससे तो हम इमीजिएटली मुक्त हो ही सकते हैं। जी ठीक है, दीजिए उसको और ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग और चर्चा करेंगे इस पर। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया, नमस्ते दीदी। ये स्टेप 1 to 6 को जाने की जो बात है, और अपने अंदर सही समझ के साथ व्यवहार करने की बात है, तो क्या ऐसा होगा कि शुरुआत में जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हमारे रिस्पॉन्सेस थोड़े स्लो हो जाएंगे? और मतलब सामने वाली सिचुएशन कुछ हो रही है और उसको जो हम पहले फटाक से कि जिस तरह चाहे वैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर देते थे, तो क्या ऐसा होगा कि अभी 1 to 6 steps से जाते जाते हमारे रिस्पॉन्सेस स्लो हो जाएंगे क्या? ये मैं पूछना चाह रही थी भैया। शुरू में जब ध्यान दे रहे हैं, है ना, तो बेसिकली हम अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं एफर्ट लगाकर, फिर दूसरे को भी ध्यान से सुन रहे हैं, तो शुरू में ऐसा लग सकता है, क्योंकि जब किसी का हम अभ्यास शुरू करते हैं तो शुरू में तो समय लगता ही है, लेकिन जैसे जैसे ये अभ्यास शार्प होता जाएगा और हमारे में निश्चित होता जाएगा कि कौन से भाव सहज स्वीकार है, जी तो अब उसमें टाइम लगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जो भी सामने वाला एक्शन करेगा हमारे अंदर तो निश्चित हो गया कि किस भाव से हम रिस्पॉन्स करेंगे, निश्चित हो गया तो वही भाव ही से ही अपने रिस्पॉन्स करेंगे। जब तक निश्चित नहीं हुआ है ना, कुछ मान्यता भी चल रही है और कुछ समझ के अर्थ में हम प्रपोजल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब तक थोड़ा समय लग सकता है। तो वो जो समय लग रहा है वो अनिश्चितता से निश्चितता तक जाने का समय लग रहा है, जी भैया, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है, फिर एक बार निश्चित हो जाएगा फिर क्या समय लगना है ना? जी दीदी ठीक है, दीदी जी जी भैया, जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। जी हेलो, जी भैया, हाँ भैया, आवाज आ रही है? लिए हाँ, आ रही है। जो पॉइंट थे जैसे कि मुझे संबंध में अपनी भागीदारी के चिंतन की आवश्यकता है,
ये जो जैसे कि मैं अभी आपके साथ बात करूँ, तो ये जो संबंध है आपके ओर से आना चाहिए या मेरे ओर से आना चाहिए? देखिए, संबंध तो बने हुआ है, ध्यान देने की आवश्यकता है, आने वो जाने तो की बात ही बने नहीं है हुए हैं, वो तो बने हुए हैं। जैसे कि जी। देखिए, हम जैसे देखें कि एक फैमिली रहता है, अभी हम बोलेंगे मैं फैमिली मतलब मेरा माँ बाप और अपना भाई बहन है, बस इतना फैमिली नहीं। अब कुछ ब्रॉड सेंस में देखेंगे कि हमारा पड़ोसी भी संबंधी है, और ब्रॉड में देखेंगे तो हमारा जो गांव है छोटा सा वो भी संबंधी है, और ब्रॉड में देखेंगे तो हमारा दुनिया में जितने सारे हैं हर कोई संबंधी है। ये तो हम मानते हैं, हर जी कोई जानते हैं, हर कोई मानते हैं भैया, ये कोई जी मना नहीं करते हैं। मगर सामने वाला जैसे कि हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे साथ हुआ कल, अब कुछ दिन से मैं एक बाहर इंस्टीट्यूट में जाके काम करता हूँ, तो मेरा जो सीनियर था मुझे बोला कि आप किसी एक को मैं साइन कर दे रहा हूँ और वो आपको मदद कर देगा, क्योंकि मेरा एक डेडलाइन होता है एक प्रोजेक्ट का, और मैं वहाँ पे जस्ट 2-3 महीने के लिए जाके काम करता हूँ। तो मैंने ठीक है, मैंने सर को बोला और मैंने बताया कि सर ने मुझे असाइन कर दिया एक लड़का, उसको आप अपना सब केमिकल दे दो, तो आप उसको प्रोटोकॉल बता दो, सब कर दो और वो आपका काम कर देगा। तो जब मैंने उस लड़कों को मैं उसको चला दिया, फिर लड़कों को कांटेक्ट किया, हाँ सर मैं कर लूंगा बोला। फिर 15 दिन के बाद मैं फोन कर रहा हूँ, बंदा फोन नहीं उठा रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है फोन नहीं उठा रहा है। फिर दूसरा लड़का से उनसे बात बोला कि उसको बोलो कि फोन उठाए, फिर उसने फोन उठाया, फिर बोला कि सर मैं समझ नहीं सक रहा हूँ क्या क्या आपने दिया था, क्या हुआ। मैं बोला कि आपको अगर समझ में नहीं आया तो मुझे फोन कर देते, मेरा तो फोन लगता है, मेरा भी सब कुछ है। तो उसने हाँ सर अभी करूंगा फोन, फिर चला गया 15 दिन और फोन नहीं उठाया ना कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं तो संबंध देखा। फिर मैं अभी उसी इंस्टीट्यूट में आया, फिर अभी भी मैं उसको ऐसे ही नहीं जैसे कि एक मान्यता मान्यता आप बोल रहे हो, फिर रियलिटी में बता रहा हूँ कि मैं उसी से फिर भी बोला कि ठीक है जो हो गया मेरा 4 महीना खराब हो गया, ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं तो संबंध से जैसे देख रहा हूँ। मैं अपने आप में सोचा कि वो भी एक इंसान है, उसमें कॉम्पेटेबिलिटी का इशू हो सकता है। मैंने तो ये यूज भी करके इतना देखा कि तीन चीज और ये कॉम्पेटिबिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप, ये तीन चीजें सब मेन बुनियाद है ये यूज की, जिससे कि हम अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं और करते भी हैं, और कॉम्पेटिबिलिटी सामने वाला का और खुद में, यही चार चीजें बुनियाद है मुझे जो दिखता है। तो मैंने फिर उसको कल मेरा एक, क्योंकि अभी मुझे 10 दिन में कोई एक सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट, तो मैंने फिर कल मेरा इतना लोड था काम का कि बच्चे बैठे थे उस ग्रुप में, तो उसी बच्चा भी बैठा था, और मैंने उसे बोला कि मैं एक सेल कल्चर में जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे एंगेज रहूंगा, तो मेरा ये मॉलिक्यूल है कि आप थोड़ा सा उसको 10 मिनट लगेगा, थोड़ा सा उसको मिक्स करके ले आओ, और मैंने एक स्लॉट भी बुक कर दिया। तो बोला हाँ सर मैं जा रहा हूँ, बोला मैं फिर एक सेल कल्चर लैब में मैं घुस गया और अपना काम किया। तो मैंने फिर जब मुझे मॉलिक्यूल का जरूरत हुआ मैंने कॉल किया, तो उस बंदा बोला कि सर मैंने उसको दे दिया है, फिर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ वो लड़का फिर फोन नहीं उठा रहा है, फिर मैं उस दूसरे बंदे को मैंने बोला कि कहाँ गया मुझे मॉलिक्यूल दो, तो बोला कि सर मैंने तो उसको दे दिया था। मतलब ऐसे घुमा फिरा के मेरा काम ही अटक। देखिए अगर हम सामने वाले को बोल रहे हैं, हम तो संबंधी देख रहे हैं ना, हम कहाँ संबंधी नहीं देख रहे हैं, मगर सामने वाला जो संबंधी नहीं देख रहा है भैया, आप बोलेंगे कि उसका कॉम्पिटेबिलिटी इश्यू है, ठीक है कॉम्पिटेबिलिटी इश्यू है तो हमें भी समझ में आ रहा है, मेरा अंदर कॉम्पिटेबिलिटी नहीं है, आई एम इनकॉम्पिटेंट मैं समझ गया, मगर मैं इतना नहीं मानता हूँ कि मैं यूएचडी करने के बाद कि हम फिजिकल फैसिलिटी क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, इतना नहीं जानते। मैं तो बोलूँ जो इंसान एक बार कोर्स कर लिया वो इतना समझ जाएगा कि किसी को दुख नहीं देगा, संबंध तो समझ में आएगा, मगर सामने वाले की ओर से जो आता है ना भैया, उसमें हम ना अपने आप को बैलेंस नहीं कर सक रहे हैं। इनबैलेंस तो जो मान्यता बोल रहे हो आप, वो मान्यता ऑटोमेटिकली आ जाता है भैया, पहला। और दूसरा बात यह है कि मैं देहरादून पे रहता हूँ, तो देहरादून के
एक जगह था सहस्त्रधारा बोल के, वहां पे इतना सारा पेड़ था, इतना सारा पेड़ था कि आप जाओगे तो छाया रहता था, एनवायरमेंट बहुत ही कूल रहता था। यहाँ पे लोकलिटी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि सारे पेड़ काटने के लिए कि रोड चौड़ा किया जाए, जो कि कितना दूर हद तक सही था क्या मालूम, मगर सब सब गांव वाले हर कोई प्रोटेस्ट किया कि नहीं काटा जाए नहीं काटा जाए, मगर सरकार सरकार तो छोड़ो डीएम जो था वो माना नहीं, उसने पेड़ काट दिया जबरदस्ती, आदमी को मारा पीटा जेल में डाला सब कुछ किया, क्योंकि ऊपर चौड़ा था वो भी क्या करे, तो सब काट दिया। तो इस साल देहरादून का जैसे जगह में टेम्परेचर इतना रेज है कि अनबिलीवेबल, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे ठीक है हमारा काम क्या है कि हम फिर से पेड़ लगा लें, बस इतना ही मान्यता, ये मान्यता है क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा, बस इतना ही बोलना था। हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे में कॉम्पिटेंसी लेस हो सकता है, आई एग्री, क्योंकि कुछ होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं अपने ही में ही हमारा में ही कॉम्पिटेंसी लेस, सामने वाला में नहीं है, इतना ही बोलना। थैंक जी यू, आप भैया, अगर मुझे समझा सके या कुछ बता सके कि इस सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं, सामने वाला जो बोल रहा है बोलने दो, करना है करने दो, हम अपने आप को अगर ऐसे ही रखते हैं कि हम समझ गया ठीक है देन इट्स ऑल राइट। जी, तो दोनों बातों को मैं अपनी तरफ से रिस्पॉन्स कर देता हूँ, फिर आप उसको देखिएगा। तो देखिए, पहला वाला केस जो आप बता रहे हैं, तो इसमें ये बात तो ठीक है कि हम संबंध देख पा रहे हैं, हमारे में संबंध पूर्वक जीने की चाहना बनी हुई है और हमारा ध्यान भी जा रहा है, तो हम संबंध देख भी पा रहे हैं। दूसरे वाले व्यक्ति में भी संबंध पूर्वक जीने की चाहना बनी हुई है, इशू इतना ही है कि वो हमारे साथ संबंध को देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। तो जिन जिन के साथ हम संबंध को देख पाते हैं उनके साथ जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करने लगते हैं, भागीदारी करने लगते हैं व्यवस्था में, जिन जिन के साथ संबंध हम नहीं देख पाते हैं उनके साथ हम अन्यथा विचार भी करने लगते हैं। तो एक भाग तो ये है कि मेरा व्यवस्था पर ध्यान जा रहा है, मेरे संबंध पर ध्यान जा रहा है और मैं अपने में निश्चित कर पा रहा हूँ कि संबंध में जब निर्वाह करने जाऊंगा तो मेरे में क्या भाव होंगे, हमारी तरफ से निश्चित हो गया, ये अच्छी बात हो गई। अब जब दूसरा व्यक्ति हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसका ध्यान संबंध पे गया है हमारे लिए या नहीं गया है, नहीं गया है तो कुछ अन्यथा विचार भी उसमें चल सकता है, अगर गया है तो उसमें भी निश्चितता बनी जाएगी, वो भी हमारे साथ सही व्यवहार कर पाएगा, लेकिन नहीं गया है ना, जो आपका केस है, तो उस पर तो मैं भी इतना ही ध्यान दिलाऊंगा कि हमारा संबंध पर ध्यान चला गया है, व्यवस्था पर ध्यान चला गया है। अब जब हम इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं और हम ये पाते हैं कि व्यक्ति का चाहना तो ठीक है संबंध पूर्वक जीने की, लेकिन उसका ध्यान अभी नहीं जा रहा है संबंध पर, तो हम जब इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉम्पिटेंस में जो लैकिंग हम अभी हम देख पा रहे हैं उन सबको ठीक से इवेल्युएट कर लें, और जब अगली बार हम इंट्रेक्शन करेंगे तो हम इस बात को ध्यान रख पाएंगे कि चाहना के रूप में तो व्यक्ति संबंध पूर्वक ही जीना चाहता है, संबंध को नहीं देख पाएगा तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है योग्यता के अभाव में। उन सबके साथ ही जब हम इंट्रेक्शन करेंगे ना, तो हमारा ये जो इंट्रेक्शन होता है और उसमें जो लेन देन होता है, इसमें बार बार जो स्लिप होता है उसको फिर हम ठीक से एड्रेस कर पाएंगे, है ना, अगली बार और अलर्ट रह पाएंगे कि चाहना के रूप में दूसरा व्यक्ति भी ठीक है, संबंध पे ध्यान देगा तो निर्वाह कर पाएगा, अगर संबंध पे ध्यान नहीं दे रहा है तो इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन सबको ध्यान में रख कर जब हम इंट्रेक्शन करेंगे तो ज़्यादा अलर्ट होकर करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम छोटे बच्चे को मार्केट में 500 रुपये का नोट दे के भेज दें तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ सामान खरीद के लाएगा और हो सकता है पूरे पैसे वापस लेके ना भी आ पाए, आप देखेंगे तो वो भी सुखपूर्वक जीना चाहता है, हम भी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, हमारी उतनी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो गई है कि 500 को नोट दिया है और 150 रुपये का सामान आया है तो कितने वापस आएंगे, उसकी कॉम्पिटेंसी भी उतनी नहीं हुई है, लेकिन ये ध्यान बना रहे कि उसकी भी चाहना ठीक है, तो हम उसके साथ जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इतना बड़ा नोट उसको नहीं देंगे,
हम उसको इतना ही नोट देंगे कि जितने में अगर वो लॉस भी कर देता है तो हमको क्लियर रहे कि इनकॉम्पिटेंस की के कारण इतना होने की संभावना है, या हम उसको 150 रुपये फुट कर देंगे। अब ये सब अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो चाहना के रूप में तो अच्छा बना ही हुआ है, लेकिन इंट्रेक्शन करते समय प्रोग्राम फेल होने की संभावना बनी रहती है। तो भैया उतना हमें है ना कॉम्पिटेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जब उस व्यक्ति का ध्यान जाएगा, उसकी योग्यता बढ़ेगी, संबंध को देख पाएगा, तो अगली बार उसे 500 रुपये भी दे देंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया वो कैलकुलेशन करने लगा है और हमारे साथ संबंध को देख पा रहा है, इसलिए पूरा हिसाब किताब भी देगा जाकर। तो पहला पार्ट तो ये, दूसरा पार्ट को देखेंगे जो आप जंगल की बात कर रहे हैं, तो उसको फंडामेंटली देखेंगे तो ये हो रहा है एनवायरनमेंट में, पेड़ कट रहे हैं, और उसके फंडामेंटल कारण को देखेंगे तो फंडामेंटल रीजन यही है कि मनुष्य अभी इस अस्तित्व और व्यवस्था पर ध्यान नहीं जा रहा है, तो उस व्यवस्था में इन इकाइयों की भागीदारी क्या है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। मनुष्य कुछ अपना ही डिजाइन करके उसको सेट करना चाहता है। अगर ये दिख जाए कि व्यवस्था तो पहले से बना हुआ है, शास्त्रित्व तो पहले से बना हुआ है, बस उस व्यवस्था में मेरी भागीदारी होनी है, इतना अगर ध्यान नहीं जाएगा तो मनुष्य अपना डिजाइन करता है, तो जो व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं देगा, कुछ अपना डिजाइन करेगा, तो उसमें काटाछाटी करने लगेगा। इसीलिए देखेंगे कि मनुष्य पर ध्यान चला जाए व्यवस्था की तरफ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। उस ध्यान दिलाने के क्रम में हमारी भागीदारी इस रूप में हो सकती है कि हम शिक्षा संस्कार में इस अस्तित्व व्यवस्था और संबंध संबंध में भागीदारी, इन बातों पर अगर ठीक से ध्यान दिला दें तो जो अभी काट पीट रहे हैं ये सब इसी किसी ना किसी एजुकेशन सिस्टम से ही निकले हैं, है ना, किसी ना किसी स्कूल कॉलेज से पढ़ के ही निकले हैं। अब स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकले, उसमें इस सब बातों पर ध्यान नहीं दिलाया गया, अस्तित्व व्यवस्था संबंध, और उसका अपने संस्कारों से भी ध्यान नहीं गया, तो फिर हम अपना ही कुछ सिस्टम बनाने लगते हैं। अब जब अपना सिस्टम बनाते हैं और एक जो अस्तित्व व्यवस्था बना हुआ है उससे वो क्लैश करने लगता है, तो इसीलिए अब सुबह भी मैं निधि दीदी की बात पर ये कह रहा था कि पाठ को ध्यान देंगे तो हमको रास्ता नहीं दिखेगा, व्यवस्था को अगर ध्यान देंगे कि व्यवस्था है, व्यवस्था में मनुष्य का होना भी है, मनुष्य में चाहना के रूप में पहले ही से बना हुआ है, ध्यान चला जाए, उस ध्यान कैसे जाएगा अगर उस व्यवस्था पर हम ध्यान देंगे, तो जैसे जैसे उसका ध्यान जाएगा उसका उसका जो इंट्रेक्शन है प्रकृति के साथ ठीक होता जाएगा। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम में देखेंगे, पूरे यूएचपी में देखेंगे, पूरे एजुकेशन सिस्टम में जाना, कोर्स कंटेंट तैयार करना, सिलेबस तैयार करना, रिसोर्स पर्सन तैयार करना, टीचर्स को तैयार करना, जिससे कि जब वो क्लास में कंटेंट और टीचर दोनों जाए तो कंटेंट पहले से शास्त्रित्व की तरफ ध्यान दिला रहा है, व्यवस्था की तरफ ध्यान दिला रहा है, टीचर में भी उतनी योग्यता हो जाए कि वो भी जब कंटेंट को डिलीवर करे तो शास्त्रित्व व्यवस्था संबंध पर ध्यान दिला पाए। इतने के साथ जो बच्चे निकलेंगे उनका ध्यान जाना सहज है। जब उनका ध्यान जाएगा तो पिछले लोग जो काटा पीटी किए हैं, अब ये जो बच्चे आएंगे ये सब सही कर सकते हैं, व्यवस्था के अपने चीजों को फिर से अलाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दिलाने की बात है भैया, बस ध्यान चला जाएगा तो ठीक हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति को अगर हम ध्यान देंगे केवल तो हमको लग सकता है कब ध्यान बढ़ेगा। व्यवस्था पर ध्यान देंगे तो व्यक्ति बार बार बदलेंगे, लेकिन उस व्यवस्था से जब लोग निकलेंगे तो ध्यान जाने वाली प्रक्रिया बनी रहेगी, तो डे बाई डे है ना व्यवस्था की तरफ लोग चलने लगेंगे। जी भैया, मेरी बात पहुंच गई भैया? हाँ भैया, थैंक यू। जी ठीक है, तो 7:27 हो रहा है, मैं बस एक बार स्टेप पर ध्यान दिला देता हूँ, फिर हम लोग कल इसको और चर्चा करेंगे। तो स्टेप 5-6 को देखेंगे तो मिलाकर ये बात समझ में आ जाती है कि अब शास्त्रित्व को समझना, व्यवस्था को समझना, संबंध को देखना और संबंध में भागीदारी को चिंतन करना, अब ये मेरी आवश्यकता बन गया आवश्यकता बन गया है, इसलिए अब मुझे समझना ही है, अब समझना ही है, यहाँ तक हम पहुँच गए, अब कोई ऑप्शन नहीं है।
जब यहां तक पहुंच जाएंगे कि समझना ही है और कोई च्वाइस नहीं है, तो समझने पर फिर ध्यान रहेगा। अभी क्या है, बहुत सारी च्वाइस बनी रहती है, नहीं भी समझेंगे तो भी काम चल जाएगा, काम तो चल ही रहा है। तो अब यही मुझको समझना है, यही मतलब शास्त्रीय व्यवस्था और संबंध है ना, यही समझ के मेरे तृप्ति पूर्वक जीने की जो चाहना है वो पूरा हो सकती है। अब अगर ये आवश्यकता बन गया तो हमारा ध्यान देना सहज है, और इतना ध्यान जाते हुए अब दूसरों का ध्यान दिलाएं उसके लिए है ना, जो भी अभी सिस्टम हमारे बने हुए हैं उसमें हमारी क्या भागीदारी हो सकती है। तो देखने जाएंगे तो चैतन्य इकाई को ध्यान देना है, और चैतन्य इकाई को देखेंगे तो शिक्षा संस्कार से हर व्यक्ति निकल ही रहा है। तो शिक्षा संस्कार में अगर सअस्तित्व व्यवस्था संबंध और उसको बताने की योग्यता के साथ हम सब डेवलप हो, तो बहुत सारे बच्चों का ध्यान इस सअस्तित्व व्यवस्था संबंध पर जाएगा, और इन्हीं बच्चों में से लोग ऑफिसर्स बनेंगे, आगे निकलेंगे। तो धीरे धीरे देखेंगे तो व्यवस्था की तरफ जाना आने वाली जनरेशन का होने लगेगा। तो इतनी बात के साथ हम लोग इसका और अभ्यास करें है ना, इस पर और थोड़ा सा ध्यान दें, अपने से पूछें कि शास्त्रीय व्यवस्था संबंध इसको समझना अब मेरी आवश्यकता हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर ये हो गया आप आवश्यकता तो फिर च्वाइस ही नहीं है, तो फिर ध्यान जाएगा ही, और दूसरे के लिए भी ध्यान दिलाना ही हमारे है, और क्या च्वाइस है, ध्यान देना है, ध्यान दिलाना है, बाकी चीजें होने लगेंगी है ना, होने लगेगा तो ज्यादा सुखदायी होगा। अभी हम ध्यान देने वाला काम नहीं करते हैं और कर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहीं रोकते हैं। जी दीदी, दीदी।